हरियाणा में वार पलटवार की राजनीति का दौर जारी है। कारण है बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का नजदीक आना। अब आपको बता दें, इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने भी इस पर एंट्री मारी है और एक बड़ी बात कही है। 3 नवंबर को हरियाणा की एक सीट पर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी मंथन कर रही है। इस बार बड़ौदा की सीट पर किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, इसका इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर इनेलो सबसे आगे निकलती दिख रही है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो की जीत का दम भरते हुए उम्मीदवार के नाम के ऐलान की तारीख भी घोषित कर दी। हमारी पार्टी ने हर जगह प्रदर्शन किए हैं, कर रहे हैं, और 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में हम एक विशालतम रैली करने जा रहे हैं, किसान बचाओ रैली के हिसाब से। बीस ग्यारह को अगले महीने नवंबर 20 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव में जहां ओपी चौटाला ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालने की बात कही, तो वहीं ओपी चौटाला ने कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान किया। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से इस उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेगा। हम 15 तारीख को प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, 16 तारीख को नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी भी चुनाव में लगाई है। मैं 23 तारीख से उस क्षेत्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक मतदाता से खुला संपर्क करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने इनेलो सरकार और प्रदेश की मौजूदा सरकार की तुलना भी की। इस तुलना में ओपी चौटाला ने बताया कि प्रदेश पर मौजूदा सरकार ने कितना कर्जा कर दिया। देश की वो भी सरकार की वजह से, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश। जब सरकार गई थी, हमने सरकारी कोष में खूब पैसा खर्च, और आज हरियाणा प्रदेश सरकार के साथ 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा आज कर्जा हरियाणा सरकार के सर पे है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी इस समय अपने दावे ठोक रही है और कह रही है कि उनका प्रत्याशी ही जीत का हकदार होगा। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि बड़ौदा की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है।